हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से सब्सक्रिप्शन की। बहुत सारे क्वेश्चन अभी सब्सक्रिप्शन पे करने हैं अगले 2-3 दिन में भी। बेटा लो जी स्टार्ट करते हैं बेटा एक एग्जांपल के साथ। सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा हर क्वेश्चन को, जब आपसे नहीं होगा तो मैं करूँगा, ठीक है जी। तो आज का एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करेंगे बेटा मेरे साथ साथ। लो प्यारे बच्चों फटाफट से सॉल्यूशन दो मुझे इसका, फटाफट से करके दिखाओ। लो बच्चों सामने देखो, एक बार मैं कर देता हूँ सॉल्व, सामने देखो आप सब। राघव सामने देखो बेटा, मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन को हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर करेंगे, ठीक है ना। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में गिन के 6 आइटम्स जाती हैं बेटा, पूरी गिन के 6 आइटम्स। बाबू सबसे पहले ये देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1 अप्रैल 2019, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2020। बेटा कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 1920, यानी कि मेरा साल तो 1920 है बेटा, मेरा साल तो 1920 है बेटा। अगर मैं कहूँ कोई आइटम मुझे 1 अप्रैल 19 की दी हुई है, साल शुरू होने वाले दिन की, यानी कि ये पिछले साल के लास्ट दिन भी इतनी होगी बेटा। जो चीज़ 31 मार्च 2019 को जितनी होती है वही तो 1 अप्रैल 2019 को उतनी होती है, एक रात में कुछ बदल थोड़ी गया, ठीक है ना बेटा। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब मेरा ईयर बिगिन हुआ तो बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 20,000, और बेटा जब मेरा साल खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 25,000। ऐसे ही बेटा सब्सक्रिप्शन एडवांस है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना बेटा। और कल तो मैं बिगनिंग और एंड लिख रहा था, ईयर ही नहीं लिख रहा था, और आज मैंने जानबूझ के ईयर दिया ताकि आपको ये बात भी समझ में आ जाए, ठीक है ना बेटा। अब सुनो जी बेटा, नॉर्मली आउटस्टैंडिंग वर्ड लाइबिलिटी के लिए लगाया जाता है और लाइबिलिटी साइड ही दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग को, लेकिन बेटा इस पूरे चैप्टर में जब भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की बात करेगा तो मतलब समझो सब्सक्रिप्शन एनपीओ की इनकम है। और बेटा अगर मैं कह रहा हूँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स इनकम अभी मिलनी बाकी है, और अगर इनकम मिलनी बाकी है दैट मीन्स इट इज़ अ एसेट फॉर माई बिजनेस, ये मेरी बिजनेस के लिए एसेट है, फ्यूचर में मुझे ये इनकम मिलेगी। तो बेटा एसेट का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है टू साइड, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और बेटा क्लोजिंग बैलेंस जाता है बाय साइड, बाय बैलेंस करेक्ट डाउन। बेटा ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस 25,000, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा एडवांसेस इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, बेटा यहाँ पर एडवांसेस लाइबिलिटी हैं। अगर बेटा कोई मेंबर एडवांस सब्सक्रिप्शन दे गया तो मेरे एंगल से सोचो ना बेटा, अगर वो आया उसने पूछा इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है, मैंने कहा 1,000 रुपये, उसने जेब से 2,000 का नोट निकाला, कहता है 2 साल का आ गया। अगर वो मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन दे गया बेटा, मेरे लिए लाइबिलिटी है कि मुझे उसके लिए परफॉर्म करना है आने वाले सालों में,
वो तो जिम्मेदारी से मुक्त हो गया बेटा पैसे देकर। तो एडवांसेस एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन 60,000। बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर? 4,50,000। ये बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने रिसीट साइड दिखाया होगा। इमेजिन करो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और रिसीट साइड मेरी टू साइड है, वहां लिखा होगा टू सब्सक्रिप्शन। तो बेटा अगर मैं वहां से उठा के लाऊंगा तो मैं क्या करूंगा बेटा, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अमाउंटेड टू रुपी 4,50,000। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड कितना सब्सक्रिप्शन जाने वाला है, ठीक है ना बेटा। और आप कैलकुलेट कर लेना, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बेटा 4,30,000। ठीक है जी, सिंपल बात बेटा, क्लियर हो चुकी है ये बात। अब लेवल बढ़ाएं धीरे धीरे करके। चलो जी बेटा, अब लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। हर एग्जाम्पल से एक नई बात सीखनी है आपको, बस ध्यान रखना, ठीक है जी। लेवल बढ़ाऊंगा अब मैं। लो प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर टू। मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन का पैटर्न ही। फटाफट से नोट डाउन करेंगे बेटा। चलो जी बेटा, पहले जो समझ में आए वो खुद से कर लो। और बेटा पूरी होप है मुझे होगा कुछ नहीं, ठीक है ना, लगा लो। लेकिन आप अपनी जान दो चार मिनट, जब कुछ नहीं होगा बेटा तो मैं करवा दूँ, ठीक है। फिर मैं रीड भी करना सिखा दूंगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे रीड किया जाता है। पहला अटैम्प्ट आपका है बेटा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन की रीडिंग सीख लो। जब रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग के अलावा बहुत सारे पेज हैं, पढ़ना आना एक अलग चीज़ है, क्वेश्चन को करना बिल्कुल अलग चीज़ है। तो बेटा सबसे पहले पढ़ना सीखते हैं। राघव
सामने देख भाई। चलो जी बेटा, ये मुझे एक्सट्रैक्ट दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, ठीक है ना, यानी कि पूरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया हुआ, कुछ आइटम दी हुई है। और बेटा मैं बोल रहा हूँ मुझे एक सिर्फ सब्सक्रिप्शन दिया हुआ। बेटा आपके लिए मान लो क्या मैं बता रहा हूँ, आपके लिए करंट पीरियड है 2020-21 आपके लिए करंट पीरियड है, ठीक है ना बेटा। और रिसीट साइड लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन 1,07,000 रुपये आया है। बेटा आपको याद होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है। कैश बेसिस का मतलब है पैसा आया तो दिखा दो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये लेना देना नहीं है कि वो कैपिटल नेचर का है या रिवेन्यू नेचर का है, ये लेना देना नहीं है। वो किस साल का है, पिछले साल का है, उससे पिछले साल का है, 5 साल पुराना है, 5 साल आगे का है, मुझे कोई मतलब। मैं सब दिखाता हूँ बेटा, क्योंकि ये कैश बेसिस पे प्रिपेयर होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बेटा इसी 12 महीने का खर्चा, इसी 12 महीने का इनकम दिखाता मैं। अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा होता ना इस पीरियड के लिए, तो बेटा इसी 12 महीने का खर्चा, इसी 12 महीने की इनकम दिखाता मैं। लेकिन बेटा क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें मेरे को 12 महीने से कोई मतलब नहीं है। चाहे 10 साल पुराना सब्सक्रिप्शन किसी ने दिया, मुझे आज मिला ना, तो मैं आज ही लिख दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा। चाहे 10 साल बाद का एडवांस दे दिया, मैं तब भी लिख दूंगा। तो बेटा मेरा करंट पीरियड है 2020-21, इस साल का सब्सक्रिप्शन मुझे 96,000 मिला, इसी साल का, ठीक है ना, 2020-21 के लिए 96,000 मिल गए। बेटा पिछले साल का भी कुछ लोगों ने 5,000 रुपये दे दिया, पिछले साल का भी 5,000 दे दिया। और बेटा मेरा साल चल रहा है 2020-21 और लोग कह रहे हैं लो जी 21-22 अगले साल का भी एडवांस पकड़ लो, अगले साल का भी 6,000 दे दिया किसी, ठीक है जी। तो मेरे को 3 अलग अलग साल का सब्सक्रिप्शन मिल गया, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। रीड करना है, ये कैसे रीड करते हैं ये तो समझ में आया। ये सब पैसे मिले हुए हैं मुझे, कुछ करंट पीरियड के, कुछ पिछले साल के, और कुछ बेटा अगले साल के, आने वाले साल के मिले हुए। कोई दिक्कत तो नहीं? बात ओके अभी तक? देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो यार पक्का। यहां से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना शुरू करें, करेंगे जरूर दोबारा रीड। हां जी अपूर्व, फिर से समझो बेटा, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वेरी फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट लेक्चर याद करो, ये कैश बेसिस पे बनता है। कैश बेसिस का मतलब है कैश आया तो रिसीट साइड, कैश गया तो पेमेंट साइड। मुझे मतलब ही नहीं कि कैपिटल नेचर है, रिवेन्यू नेचर है, इस साल का है, पिछले साल का है, अगले साल का है, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सोचता ही नहीं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब कुछ सोचता हूँ, रिवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है, कैपिटल है तो दिखाऊंगा नहीं, रिवेन्यू दिखाऊंगा। रिवेन्यू है तो इसी 12 महीने का दिखाऊंगा, 13 भी नहीं करूंगा, 11 भी नहीं करूंगा, ठीक है जी। अब बेटा देखो, मैं बोल रहा हूं कि मेरा करंट पीरियड है 2020-21, तो 2021 के लिए यानी कि इसी साल का सब्सक्रिप्शन 96,000 मिला, ठीक है ना। मुझे नहीं पता बेटा कितना लेना था, मुझे तो ये पता मिला इतना है अभी तक। कितना लेना था वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जब बैलेंसिंग फिगर आएगा तो पता लग जाएगा कितना लेना था, ठीक है जी। मुझे बेटा इस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड कोई चीज लिखी है, तो उसका मतलब क्या है, मेरे को मिला है ना इस साल का। इस साल के लिए लोगों ने 96,000 दे दिया मुझे, कुछ लोगों से मैंने पिछले साल के भी पैसे लेने होंगे, तभी तो उन्होंने पिछले साल के भी 5,000 दे दिए। बेटा 2020-21 चल रहा है, मान लो 1 अप्रैल 2020 चल रही है बेटा आज, तो बेटा एक इंसान आया कहता पिछले साल के भी मेरे पेंडिंग रह गए थे, लो इस साल के भी, ये लो दोनों साल के ले लो। तो मैंने पिछले साल में लिख लिया, जो करंट ईयर के देगा वो करंट ईयर में लिख दिया। और बेटा एक इंसान ऐसे आया 1 अप्रैल 2020 को, कहते इस साल के भी ले लो और अगले साल के भी ले लो, वो दोनों के दे गया। तो मैंने इस साल के तो 96,000 में इंक्लूड कर दिए, अगले साल के बेटा लिख लिए 2021-22 के भी कुछ पैसे आ गए हैं। तो ये बेटा पैसे आए हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? धीरे धीरे करके चलेंगे बेटा, चाहे इस क्वेश्चन में लगे आधा घंटा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ सब्सक्रिप्शन सबसे टिपिकल मुद्दा होने वाला है। अगर आप इसको लीनियंसी लोगे ना बेटा, तो ये आपकी लीनियंसी निकाल देगा, पक्का बता रहा। चलो जी बेटा, अगर छोटे क्वेश्चन नहीं करें ना हमने तो बड़े हो नहीं सकते, मैं लिख के दे रहा हूँ। चलो जी बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ, मैंने एक्सट्रैक्ट में से थोड़ा सा पोर्शन रब कर दिया, जितना रिक्वायर्ड उतना रख लिया। तो बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, लो प्यारे बच्चों सामने देख रहे हो आप सब,
सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं बेटा, ये रिसीट एंड पेमेंट साइड में टू साइड लिखा हुआ है, 1,07,000 आए हैं। तो बेटा अगर मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये प्लेस करना हो, बाय साइड लिख दूं क्योंकि ये टू साइड लिखा है, ठीक है ना? क्या लिखूं? बाय सब्सक्रिप्शन, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज 1,07,000, कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात समझ आई ये बता दो बस। 1,07,000 आए मैंने दिखा दी, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। चलो बेटा ढंग से रीड करना, समझदारी से रीड करना, ठीक है जी? चलो बेटा आपको बता देता हूं, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन देना 3 साल दिखाए आपको, 4 साल दिखाए, बेटा करंट पीरियड के बाद जो अगला साल होता है जनरली इस पे कभी कोई एडजस्टमेंट होती नहीं, कभी कोई एडजस्टमेंट इसके ऊपर कभी कोई पेच नहीं होगा। बेटा मेरा साल है 2020-21, यानी कि मेरा साल खत्म होगा 31 मार्च 21 को, और एक इंसान मुझे पैसे दे गया 21-22 के लिए, तो बेटा ये मेरे एडवांसेस हैं, एडवांसेस हैं कि नहीं है? मुझे एडवांस दे गया ना बेटा, मेरा तो साल कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 21 को, और वो पैसे कब के लिए देके गया है? 21-22 के लिए देकर गया बेटा, अगले साल के लिए पैसे देकर गया है। तो ये बेटा मेरे करंट ईयर के एडवांसेस हैं, इस साल के लिए मेरे एडवांसेस हैं बेटा, बाबू क्लोजिंग एडवांसेस बोल सकते हो। 31 मार्च 21 के दिन ये एडवांसेस ही तो हैं कि 31 मार्च 22 तक का पैसा आया हुआ है। बेटा क्लोजिंग एडवांसेस का क्या होता है? एडवांसेस लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहां जाता है, क्लोजिंग बैलेंस यहां जाता है, ये क्लोजिंग एडवांसेस हैं। 31 मार्च 21 के दिन एडवांस है। मेरा साल क्या है बेटा? 2021। दो तरीके के एडवांसेस हो सकते हैं बेटा, एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 21 को एडवांस बेटा, ठीक है ना, सॉरी 1 अप्रैल 20 को एडवांस। और बेटा क्लोजिंग एडवांसेस क्या होंगे? 31 मार्च 21 को एडवांस, ठीक है ना? बिगिनिंग ऑफ द ईयर एडवांस हो सकते हैं या क्लोजिंग ऑफ द ईयर हो सकते हैं, जब साल खत्म हुआ ये तब के एडवांस है बेटा। मेरा साल 31 मार्च 21 को खत्म हो रहा है, 21-22 के पैसे आए हुए हैं अगले साल के, तो ये क्लोजिंग एडवांस है, ये बात समझ आई। क्लोजिंग एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होता है? तो बैलेंस कैरेट डाउन, इतना जिसको समझ नहीं आया बेटा बता दो, मेरे को जल्दी नहीं है, मैं तो चाहे आधा घंटा लगे चाहे लगे घंटा एक, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताऊं? हाँ जी बेटा, देखो सबसे पहले ना आपकी नजर आपके टाइम पीरियड पे होनी चाहिए कि आपका टाइम पीरियड क्या है। मेरा टाइम पीरियड क्या है? 2020-21 बेटा, 1 अप्रैल 2020 को साल शुरू होगा, 31 मार्च 2021 को साल खत्म होगा, ठीक है ना? आपको पता है बेटा अभी तक ना मैंने किसी में भी ना ईयर मेंशन नहीं किया था, आज ही पहले क्वेश्चन में ईयर मेंशन किया, ठीक है ना? हमेशा आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होते हैं या एट द एंड ऑफ द ईयर होते हैं, ठीक है ना? अगर आपको दोनों में बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर के नाम से, तो आप चिपकाने में ना टाइम नहीं लगाओगे, ठीक है ना? इसी को कहते हैं रटना, जो मुझे करवाना नहीं, मैंने जान के बेटा टाइम पीरियड देना शुरू कर दिया। अब सुनो बेटा, बाबू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या है बेटा? 1 अप्रैल 20, और एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर क्या है बेटा? 31 मार्च 21। आप सोच के देखो बेटा, अगर मैं आज 31 मार्च 2021 को खड़ा हूं और कोई इंसान कह रहा है 22 तक का सब्सक्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए एडवांस नहीं है, अगले साल तक का पैसा आया हुआ है? तो बेटा अगर एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए एडवांस है बेटा, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया बिगिनिंग ऑफ द ईयर का एडवांस, यहां आते हैं लायबिलिटी, और बेटा इसी का क्लोजिंग बैलेंस बेटा टू साइड आता है, ठीक है? जनरल केस में इसके ऊपर कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। यहां से ना अगर कभी आपको ये एक्सट्रैक्ट दे रखा हो तो दो चीजें तो रिकॉर्ड कर ही दिया करो, रिसीट एंड पेमेंट में जितना अमाउंट आया वो चिपकाया और क्लोजिंग एडवांसेस चिपकाए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, चिपका लिए, पढ़ना शुरू करें। आशीष समझ आए इतनी बात? राहुल ओके, बढ़े आगे। चलो सांस ले लो, लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ेंगी आज। चलो जी हाँ, चलो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2019-20 वाज 6500। कहता है आपने पिछले साल के, मेरा साल तो 2021 है, मैंने पिछले साल लोगों से 6500 रुपये लेने हैं पिछले साल के। सर सोचो, देखो यहीं से रीड करना सीख रहे हो, अंकित भाई सामने देख लो, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे अगर यहाँ से समझोगे नहीं बेटा।
फिर रटना शुरू हो जाएगा बेटा, और रट के गुजारा चल नहीं सकता सब्सक्रिप्शन में। सुनना बेटा, मैंने 2019-20 के लोगों से 6500 रुपीज लेने, कह रहा आउटस्टैंडिंग है 6500 रुपए लेने आपने पिछले साल के, मेरा साल है 2021, पिछले साल ही पैसे लेने हैं पिछले साल के 6500। बेटा अगर मैं ये रीड करूं तो इस साल 2020-21 में पिछले साल के 5000 आए भी तो हैं। सर आए नहीं 2019-20 के 5000, लिखे नहीं वे 2019-20 के 5000 आए हैं, रीड करना आ रहा है। लेने कितने थे जब साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 को, साल शुरू हुआ तो मैंने बताया कि 2019-20 इस साल के 6500 रुपए लेने हैं लोगों से। अभी भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 6500 लेने हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं बेटा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज अ एसेट फॉर बिजनेस, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहा जाते हैं ओपनिंग एसेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? ओके बात बेटा, ये पता लगा कि इन 6500 में से 5000 इस साल आ भी गए। जैसे जैसे साल बीता, 1 अप्रैल को मैंने बताया कि मैंने 6500 लेने हैं, जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया पूरे साल में लोगों ने 5000 दे भी दिए इस साल के, यानी कि 1500 अभी भी लेने हैं। यानी कि क्या ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है 1500 रुपए? हाँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में। रीड करना आ रहा है या रटना ही आ रहा है? खाली रीड करना आ रहा है। अकाउंट्स रीड भी की जाती है पता आपको? मेरे हिसाब से तो सिर्फ रीड ही की जाती है, आपके हिसाब से पता नहीं जी। हाँ जी, 6500 रुपए साल के शुरू में लेने थे और साल बीतते बीतते बेटा 5000 आ भी गए उसी साल के, जिस साल के 6500 लेने थे। तो यानी कि 1500 आज भी लेने हैं बेटा। ये क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अभी भी लेने बाकी हैं लोगों से 1500। सर करेंगे इसका कुछ ना कुछ, ठीक है ना? यहाँ दिखाएंगे बेटा 1500, भी टेंशन मत लो, ठीक है जी? बड़े आगे चलो, आपने याद रखना है कि 1500 दिखाने हैं। आप याद कराओगे आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी? चलो आगे बढ़ना जी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट एज ऑन 31st of March 2020 वाज 8000। हाँ जी बेटा, पहले ये देख लो ओपनिंग ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर है। अरे तुम अगर ये नहीं समझ सकते तो क्या ही समझाऊं तुम्हारे को। ये देखो डेट 31 मार्च 2020 या 1 अप्रैल 2020 में कोई अंतर होता है क्या? एक ही नहीं बात। तो बेटा सब्सक्रिप्शन एडवांस है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और बेटा एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू ₹8000। सिंपल बात फाइल, इतनी बात ओके? बढ़े आगे चलो जी। नहीं हुई ओके? क्या ओके नहीं हुआ? 31st 3/20 है। हाँ भाई सुन ले, आपको ये भी तो पता होना चाहिए मेरा टाइम पीरियड क्या है। मेरा टाइम पीरियड तो 2020-21 है, 31 मार्च 21 होता है एंड। तो मेरे लिए साल क्या है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21। तो अगर वो कह रहा है 31 मार्च 20 को 8000 लेने एडवांस आए हुए हैं, तो बेटा 1 अप्रैल 20 को भी तो 8000 ही एडवांस आए हुए हैं। कोई डेट का अंतर थोड़ी है, एक रात ही तो गई है बस बीच में, कोई दिक्कत तो नहीं? लो सामने देख लो जी, अभी तक बता दो कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, मैंने क्या दिखाया? 107000 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आए हुए थे, मैंने दिखा दिए बेटा। बेटा क्लोजिंग एडवांसेस दिखा दिए। कहता है आपने 6500 रुपए लोगों से शुरू में ही लेने थे बेटा, साल शुरू हुआ कहता है पिछले साल के ही 6500 लेने हैं। तो बेटा अगर मैंने 6500 लेने हैं, मेरे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मैंने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिखा दिए, और अगर मैं ढंग से रीड कर पा रहा हूँ इस 6500 में से 5000 मेरे पास आ भी गए, तो 1500 अभी भी लेने हैं ना जी अभी भी 1500। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात अगर आपको रीड करना आया। और कहता है ओपनिंग एडवांसेस हैं 8000, दिखा दिए कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे दिखाना क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है बताना क्या है? सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाओगे? यही लिखते हैं ना बेटा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगी बेटा, और ये तभी निकलेगी बेटा जब आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बता दोगे, ठीक है ना? अरे सांस ले ले भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी, सांस ले ले, ठीक है ना? इतनी जल्दबाजी मैं नहीं मचा सकता। पहले इसका नाम लिख दूं? मुझे तो नाम ही लिखने में सुकून आ रहा है, मन ही नहीं कर रहा समझाऊं आगे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। लो प्यारे बच्चों सुन लो,
समझदार बच्चों को इशारा काफी। बेटा 2019-20 के लोगों से 6500 रुपए लेने थे, 6500 में अभी सिर्फ 5000 ही आए हैं, 1500 तो वो लेने हैं। और सुन लो सर, 2020-21 के 96,000 आए, आपको पता है कितने लेने थे? क्या पता कितने लेने हो, आए हैं 96,000, रीड भी तो करना चाहिए, आए तो 96,000 है। सर क्या पता मैंने 5 लाख लेने हो, क्या पता मैंने 1 लाख लेने हो, तो पता तो नहीं ना। तो 2020-21 के भी कुछ आउटस्टैंडिंग रह सकते हैं, पढ़ो केस वन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2020-21 वाज 8500। यानी कि मैंने लोगों से कितना लेना होगा, 96 प्लस 85, मैंने लेने थे 1,04,500 रुपए लोगों से, और लोगों ने सिर्फ 96,000 दिए, यानी कि इस साल के भी 8500 रुपए रोक लिए। यानी कि बेटा मेरा क्लोजिंग, मेरे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपए हैं, 8500 रुपए तो इसी साल के हैं और 1500 पिछले साल के भी आउटस्टैंडिंग, अभी वो भी लेने। सांस आनी बंद हो जाएगी आज, अब नहीं निकलती आवाज, अरे सब्सक्रिप्शन बहुत आसान, कल हो रहा था बस, आज से बंद है। हाँ जी देख लो, बैच में शांति हो चुकी है बेटा। बाबू बस रोज ऐसा ही टॉपिक आना चाहिए रोज तुम्हारे लिए तो। हाँ जी 10 और 8 18, 1,25,000 बेटा आ गया, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगी, 12,500 कम कर दो, 1,12,500, तो बेटा सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा वो 1,12,500 है। रिपीट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सर, देखो ये सिर्फ एक मिथ होगा, अगर आपने इसे कहा ना मुश्किल तो सर आप रटने वाले बच्चे हो, अगर आपको इसको रीड करना आता है ना, कोई फंसा के दिखा दो भाई साहब मैं मान जाऊंगा, कोई फंसा कर दिखा दो जो मर्जी कर ले इसके साथ, फंस नहीं सकते आप। और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको रीड करना सिखाऊं इसको। लो प्यारे बच्चों, मैंने रीडिंग सिखाई सबसे पहले, हमने शुरू हुए हम रिसीट अकाउंट से, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बेटा ये पैसे मिले हुए हैं मुझे, और मुझे बोलता है कि आपका टाइम पीरियड आपका करंट ईयर है 2020-21, ठीक है जी। अब सुनना बेटा बहुत आराम से, मेरा साल 2020-21 है, कुछ पैसे मुझे 2019-20 के मिले हैं, कुछ बेटा मेरे करंट पीरियड के मिले हैं, और कुछ बेटा करंट पीरियड के लिए एडवांसेस है, कुछ पैसे मुझे अगले साल के भी लोगों ने दे दिए, तो बेटा ये सब पैसे आए हुए हैं मेरे पास बिजनेस में, ठीक है जी। सब यही नजर दिखाओ बेटा। अब बच्चे को साथ पता है क्या, अगर इनमें से एक चीज कुछ समझ नहीं आई ना, मान लो ये समझ नहीं आई, तो अभी तक नजर यही है। सब सुन लो, शायद वहां पे दोबारा टाइम खर्च कर दूंगा समझ आ जाएगा, पहले यहां तो समझ लो, आगे आगे दौड़ दौड़ पीछे पीछे छोड़ छोड़, बस यही करना है हमारे को। हाँ जी, तो बेटा मेरे पास टोटल 1,07,000 रुपये आए हुए हैं फॉर द डिफरेंट ईयर, छोड़ दो बेटा डिफरेंट ईयर के लिए आए हैं, आपके पास 1,07,000 आए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, वो क्या कहता है, जिस मर्जी साल का है रिकॉर्ड कर दो, आ गए ना पैसे, तो बेटा मैंने रिकॉर्ड कर दिए, 1,07,000 आए। जब बेटा 1,07,000 आए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाएंगे बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 1,07,000, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने आपको एक बात और बोली, सबसे ज्यादा पेज पता है किस पे होते हैं, सबसे ज्यादा पेज बहुत खतरनाक चीज है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस पे जितने पचड़े उठते हैं ना बेटा सब इसी पे होते हैं और किसी पे नहीं होता कुछ। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर बहुत परेशान करता है बेटा, बाकी किसी पे शायद इतनी दिक्कतें कभी नहीं आती। अब आप खुद सोचो, उसने क्या बोला बेटा, उसने बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2019-20 में 6500, ठीक है ना, 19-20 में। बेटा आप सोचो मेरा साल कौन सा है, 2020-21 है, यानी कि जब 1 अप्रैल 2020 शुरू हुआ तो मैंने पिछले साल के 19-20 के 6500 रुपए लोगों से लेने हैं, बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही लेने हैं। तो बेटा बिगनिंग ऑफ द ईयर में मैंने 6500 रुपए लेने हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बेटा बिगनिंग ऑफ द ईयर, टू साइड दिखा दिया मैंने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे लिए एसेट, ठीक है जी। बेटा मैंने आपको बताया इस पे रेयरली कोई एडजस्टमेंट होती है, सबसे रेयर इस पे एडजस्टमेंट होती है, सबसे रेयर। तो बेटा मैं मान के चल रहा हूं इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं और है भी नहीं एक्चुअलिटी में, मैंने इसको सबसे पहले रिकॉर्ड कर दिया। क्यों बेटा रिकॉर्ड कर दिया, ये मेरे करंट पीरियड के लिए एडवांसेस है, ठीक है ना, मेरा जब साल खत्म हो रहा है तब भी मेरे लिए ये एडवांस है बेटा। तो बेटा सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, एडवांसेस इज अ लायबिलिटी और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बाय साइड, क्लोजिंग बैलेंस टू साइड, मैंने बेटा एडवांसेस रिकॉर्ड कर दिया। मैंने अभी तक 3 चीजें रिकॉर्ड कर दी, 1, 2 और 3, और आपको बता दूं तीनों में से किसी के ऊपर अभी तक कोई एडजस्टमेंट थी नहीं,
तीन चीजों पे एडजस्टमेंट नहीं है। आप देखो कितना डरते हो, आपको दिखा रहा हूं पांच चीजों पे एडजस्टमेंट नहीं है। तीन पे एडजस्टमेंट तो नहीं थी। चौथी बात पढ़ो, सब्सक्रिप्शन एडवांस एज ऑन 31st of March 2020 वाज 8000। इस पे कोई एडजस्टमेंट है? कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। ओपनिंग एडवांसेस है बेटा, ओपनिंग एडवांसेस चिपका दिए। मैंने चार बातें लिखी, किसी पे कोई एडजस्टमेंट है? सिर्फ आप डर रहे थे और डर के मारे ना आपने मुश्किल कर दिया क्वेश्चन। देख लो चार पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बताओ सीधी सीधी फिगर लिखी, ये 6500, ये 8000, कहां लिखे? ये 8000, ये 107000 और ये 6000। मैंने तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं की अब तक। जो एक चीज रीड करने वाली है बस उसी ने टेंशन दे दी आपको। अब सुन लो बड़े काम की बात बेटा, मैंने 2019-20 के लोगों से 6500 रुपए लेने हैं। 1 अप्रैल 20 जब आया मेरा साल शुरू हुआ तो मैंने पिछले साल के लोगों से 6500 रुपए लेने थे और साल खत्म होते होते लोगों ने मुझे 5000 रुपए दे भी दिए। देख लो बेटा रिसीट साइड में लिखा, रिसीट साइड में लिखा, उसने दे दिए होंगे तभी तो लिखा है। तो बेटा 5000 मिल गए, यानी कि आज भी 2019-20 के मैंने 1500 रुपए लोगों से लेने हैं। लेने हैं कि नहीं लेने? सर 6500 लेने थे, 5000 ही तो आए हैं, 1500 लेने हैं कि नहीं लेने? लेने हैं ना सर बेटा, लेकिन ये 2019-20 के हैं। मेरा करंट पीरियड क्या है? 2021। जरूरी थोड़ी है 2021 के जो 96000 आए, मैंने 96000 ही लेने थे। ये किस किताब में लिखा है? मैंने बताया अभी तक कितने लेने थे, तो आपको क्या पता बेटा? बस ये पता है कि 96000 आए हैं, तो ये भी तो देख लो बेटा इस साल के पूरे पैसे आए हैं कि नहीं। और बेटा बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2020-21 वाज 8500। आपने इस साल के 8500 और लेने हैं लोगों से, यानी कि अगर मैं सोचूं कि मेरे को टोटल कितने लेने थे तो मुझे 104500 रुपए लेने थे, उसमें से 96000 ही दिए ना लोगों ने, 8500 इस साल का भी तो उधार कर गए लोग। तो बेटा पिछले साल के 1500 तो है ही है, इस साल के 8500 और हैं, तो मेरे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने हो गए? 10000। ये केस ए का सॉल्यूशन हुआ। अरे तुम कहाँ, अरे कहाँ नोट करने लग गए? ये तो केस वन का सॉल्यूशन हुआ, केस टू भी तो है। समझदार को इशारा काफी नहीं, अभी इनको नहीं समझ आया, ठीक है ना? तूने वो वीडियो देख ली, तुझे समझ आ गया इनको नहीं पता अभी इस बात का। हाँ केस टू सेम है, क्या है? सेम है मतलब सॉल्यूशन। चलो अब सुनना बेटा, केस वन खत्म, अभी तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? केस वन संभाल लोगे, केस टू करें? केस टू में डिफरेंट क्या है? देखो बाबू पहले बात सुन लो, डिफरेंट पता होना चाहिए, ठीक है ना? कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st of March 2021 वाज 8500। 31 मार्च 2021 को आपने लोगों से 8500 रुपए लेने हैं। पढ़ा आपने? सर देखो एक बात बता देता हूं, यानी कि बात चल रही है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की, और कोई बात तो नहीं चल रही? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की तो बात चल रही है। कह रहा है 31 मार्च 2021 को लोगों से बेटा आपने पैसे लेने हैं 8500। इस पे कोई एडजस्टमेंट है? इस पे कोई एडजस्टमेंट है? इस पे कोई एडजस्टमेंट है या इस पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। यानी कि पेज कहाँ है? पेज सिर्फ यहाँ है, सेम नहीं है बेटा। आप पढ़ते नहीं हो, बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। रुक जाओ, सांस ले लो, सुन लो। पहले ये समझ में आया कि एडजस्टमेंट सिर्फ यहाँ पर है, सिर्फ इसको हटा दूँ, सिर्फ इसको हटा दूँ, बाकी तो कुछ ना करूँ। अब सुन लो, अब बेटा पढ़ना सीख लो अकाउंट्स जो आपको आती नहीं, ठीक है ना? सच बता रहा हूँ, पढ़नी नहीं आती बस। जिस दिन ये पढ़नी आ गई ना, अकाउंट्स आसान कोई सब्जेक्ट नहीं। अब सुनना, कहता है 31 मार्च को मैंने लोगों से 8500 रुपए लेने। सर सुन लो, मैं 31 मार्च 2021 को खड़ा हूँ, देख लो मेरी तरफ, शक्ल देख लो, आज ऐसे ही समझना इसको। मैं 31 मार्च 2021 पे खड़ा हूँ, कहता है आपने आज के दिन लोगों से 8500 रुपए लेने। मैंने आज के दिन 8500 लेने। सर इसने ये बताया कि 2021 के कितने लेने हैं, या 19-20 के कितने लेने हैं, या 18-19 के कितने लेने हैं, या 17-18 के कितने लेने हैं। इसने कहा 31 मार्च को बस 8500 लेने हैं, यानी कि पिछला सारा उधार मिला लो 31 मार्च को बस 8500 ही लेने हैं। पढ़ना आया?
सर इन दोनों में फर्क तो समझो, इन दोनों में मैं कहूं 2021 का उधार 8500 है, 2021 ये जो साल गया ना इसी में 8500 लेने हैं, पिछले पिछले 1500 अलग, उससे पिछले, उससे पिछले मान लो 700 अलग, उससे पिछले 600 अलग, तो आज तक के कितने लेने हैं, 600 700 1500 8500। और मैं बोलूं 31 मार्च 2021 को 8500 ही लेने हैं, तो इसका मतलब क्या है, पिछले सारे मिला लो बस 8500 ही लेने हैं। सर डेट और ईयर में यही तो अंतर होता है, आपको ये देख लो, ये देख लो, आपके लिए तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है मैं सच बता रहा हूं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अंतर है, इसी में रायता फैला दोगे आप, ठीक है ना। और मैं फिर कहूं आपको ईयर रटना है तो बेटा कभी ना रट लेना, ये चीज तो रीड करनी आनी चाहिए, इसको भी रटोगे क्या कि ईयर दिया हो तो प्लस यही करोगे ना आप, और डेट दियो बस 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 हो गया। सर रीड करना है, वैसे बताऊं दोबारा एक बार बेटा, मैंने बोला 2021 में, 2021 मेरा करंट ईयर है, 8500 लेने हैं सर, 2021 में 8500 लेने हैं ना, हो सकता है 19-20 में भी कुछ लेना, और मेरे एग्जांपल में 1500 तो 19-20 में भी लेने थे, और हो सकता है मैं कह दूं 18-19 में भी लेना, 17-18 में भी लेना। तो बेटा अगर मैं बोलूं 31 मार्च को 2021 को कितने पैसे लेने आपने, तो बेटा पिछले 4 सालों 5 सालों के जितने पैसे लेने सब जोड़ दो, तभी तो आप बताओगे कि 31 मार्च 21 को मैंने इतने पैसे लेने हैं लोगों से, ठीक है ना। अभी तक मैं यही कर रहा था ना बेटा, क्योंकि इसने मुझे बताया 2021 के 8500 लेने, 19-20 के 1500 लेने, तो मैंने बताया कि मेरे क्लोजिंग एडवांस, मेरा साल खत्म हो रहा है 2021 में, 31 मार्च 21 को मैंने लोगों से 10,000 लेने, ऐसे ही निकाला था ना अभी 10,000। और अब इस क्वेश्चन ने क्या कहा कि 31 मार्च 21 को आपने लोगों से 8500 लेने हैं, 31 मार्च 21 को मैंने 8500 लेने हैं, तो इसमें 2021 भी आ गया भाई, 19-20 भी आ गया, और पिछले सारे साल आ गए, आ गया ना। तो बेटा सीधा बाहर लिखूंगा 8500 लेने हैं, अगर चाहे तो मैं लिखूं भी ना ये कैलकुलेट करके, लेकिन मेरे सामने फिगर है तो कैलकुलेट कर लेता हूं, 1500 19-20 के थे तो इस साल के 7,000 होंगे, यानी कि इस साल में मैंने लोगों से पैसे कितने लेने होंगे, 7,96,000 लेने होंगे, लोग मुझे 96,000 देकर गए होंगे, 7,000 इस साल का उधार, 1500 पिछले साल का उधार, और टोटल 31 मार्च को मैंने 8500 ले लिया। आया रीड करना, अब नहीं, अब कोई बोलने का ही नहीं बैच में अगले 5-7 दिन तक, आज क्वेश्चन ही ऐसा हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं आई, अभी तो लेवल बढ़ेगा, मैंने तो पहले कहा हर क्वेश्चन में बढ़ा दूंगा कुछ ना कुछ। हाँ जी नोट करो बेटा, चलो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।